अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं YouTube चैनल खिजर हयात 1122। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टार्ट होने जा रही है बाइक राइडरों के जॉब के बारे में, जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं UAE में उनके बारे में। तो कुछ मेरे दोस्त भाई पूछ रहे थे कि हमें काम कमीशन पर करना चाहिए या फिक्स पे करना चाहिए। पहले तो मैं आपको बोल रहा था कि कमीशन पर करें, कमीशन पर ठीक है काम, लेकिन आज की जो डेट है, आज की डेट में रात को जो है पेट्रोल महंगा हो चुका है यहाँ पे UAE में। पेट्रोल 3.69 पर लीटर हो गया है। तो अभी भाई आपके लिए बेस्ट यही होगी, आप अगर कहीं फिक्स पे एडजस्ट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, एडजस्ट हो जाएं फिक्स पे, क्योंकि अभी जो डिलीवर हुआ है या तलबात है, अगर आप इसमें आएंगे, इसमें कमीशन वाला काम है, इसमें पेट्रोल अपना है, उसके बाद ऑर्डर भी मतलब के 350-400 प्लस बस इतने ही होते हैं ऑर्डर। तो अभी आपके लिए अच्छी बात यही होगी कि आप लोग कोई न्यू भाई भी आ रहा है, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो लाइसेंस लें, मुश्किल नहीं है, लाइसेंस बाइक का ले लें, लेकिन इसमें ज़्यादातर कोशिश ये करें कि आप लोग फिक्स सैलरी पे काम करें। जो फिक्स सैलरी पे है पेट्रोल उनका होता है, तो जो मलवारियों के रेस्टोरेंट होते हैं उसमें मलवारी कुछ जो होते हैं वो रूम भी देते हैं, लेकिन अगर रूम ना भी दें तो 3,300 दें, 3,200 फिर भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सैलरी है। तो आप लोग कोशिश यही करें कि फिक्स में जाएं, अभी इसमें कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि इसका जो अभी हालात चल रहे हैं, रात से जो पेट्रोल महंगा हुआ है 3.69, तो इस हिसाब से अगर बंदा कैलकुलेटर लगाए तो ये तो भाई एक माह का जो है वो खाली पेट्रोल 900 रुपये का तो पेट्रोल जाएगा इसका, क्योंकि 30 का ये आराम से खा जाती है बाइक। ये वाली जो बाइक है ये 160 है होंडा, तो ये पहले 25 का खा रही है, अभी पेट्रोल महंगा हो गया है तो ये 30 का तो आराम से खा जाएगी ना दिन में। तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप लोग फिक्स पे काम करें। फिक्स पे मैं आपको कंपनियाँ बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनियाँ जॉब दे रही हैं। एक KFC दे रही है, पिज़्ज़ा हट दे रहा है, उसके बाद मैकडोनल्ड दे रहा है, कैरीफोर दे रहा है, ऑर्गेनिक दे रहा है, और भी मुख्तलिफ कंपनियाँ जो फिक्स पे दे रही हैं, पेट्रोल उनका होता है, गाड़ी उनकी होती है। तो आप मेरे भाई आपके लिए बेस्ट अब यही होगा कि आप फिक्स पे करें। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी इंशाल्लाह जल्द ही फिक्स पे जाऊँगा, क्योंकि अभी इसमें भाई फ़ायदा नहीं है, सीधी सी बात है, हम इतने पैसे भी लगा के आते हैं और बने भी कुछ ना, तो फिर फ़ायदा 7 से 8 लाख रुपए तक लग जाते हैं, 7 लाख तो लग जाते हैं ना भाई ये इस जॉब में पहुंचने के लिए बाइक के, तो जो 7 लाख लगा के फिर भी वही 60,000-70,000-80,000 तक कमाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई। तो बेस्ट आपके लिए और मेरे लिए भी यही होगा कि हम लोग अभी जो है फिक्स पे करें। कोई मलवारियों के रेस्टोरेंट होते हैं, मलवारी भी रख लेते हैं, बहुत सारे मलवारियों के रेस्टोरेंट होते हैं यहाँ पर, वो रख लेते हैं 3,300 में, 3,200 में, 3,500 में, ऐसे रख लेते हैं। तो हमें यही अब करना चाहिए कि हमें फिक्स पे करनी चाहिए। मैंने तलबात वाले से अभी रेट पूछा है, उसका मैंने सब कुछ पूछा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, इस पे वीडियो के अंदर आएगी सब कुछ, क्योंकि वो भी बता रहा था कि भाई हमारा जो है 20 ऑर्डर हो जाते हैं, तो 7.75 पर ऑर्डर बता रहा था, तो वो 20 ऑर्डर के कितने होते हैं, उसमें से पेट्रोल भी जाएगा, खाने के पैसे भी जाएंगे, रूम रेंट भी जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे भाई, कुछ नहीं बचेगा। तो अभी बेस्ट आपके लिए, मेरे लिए, सब दोस्त भाइयों के लिए यही होगा कि हम लोग फिक्स पे करें। तो इंशाल्लाह अगर कोई दोस्त भाई नहीं आ रहा है पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से, तो वो कोशिश ये करे कार का लाइसेंस लें, क्योंकि कार का लाइसेंस जो है ना उसमें UAE में किसी कोने में भी चले जाओ ना, तो जो फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है, वो कंपनी का होता है, बाइक में जो है वो अपना होता है कमीशन में। तो गाड़ी 3 नंबर मैनुअल लाइसेंस लें, उसमें पेट्रोल मेट्रोल सब कुछ कंपनी का होता है, तो उसमें कोई इतना, उसकी सैलरी उसकी भी ठीक है, 3,500 ऐसे उसमें भी मिल जाती है गाड़ी में, अगर मैनुअल लाइसेंस 3 नंबर आपके पास हो तो। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैंने कहा कि यार दोस्त भाइयों को बता देता हूँ कि भाई इस तरह का सीन चल रहा है यहाँ पे,
जो भाई ले आ रहे हैं अपना, मतलब कि कुछ सोच समझ के आएंगे, कितने पैसे भी लगाने हैं, तो आगे का फ्यूचर कुछ सोच के आए, तो इंशाल्लाह भी यहाँ की इंफॉर्मेशन होगी मैं आप तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि किसी को बताने से तो इसमें मतलब कि किसी का अगर मतलब कोई नुकसान ना करे तो उसका फ़ायदा ना करे तो उसका नुकसान भी तो ना करे ना, क्योंकि हम तो मुसलसल यहाँ पे रह रहे हैं, हमें तो सब चीज़ों का पता है। अगर कोई भाई नया आ रहा है तो उसको तो नहीं पता कि उधर क्या चल रहा है, क्या सीन है। उधर से तो लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई आ जाएँ, 5,000 निकाल रहे हैं जी, हम लोग 7,000 निकाल रहे हैं, 8,000 निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का अक्सर मकसद यही होता है कि जो नए भाई यहाँ पे पहुँच रहे हैं या आने वाले हैं उन तक ये मेरी वीडियो पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जो नए आते हैं उनको कुछ नहीं पता होता, सीधी सी बात है। जैसे हम लोग आए थे हमें कुछ नहीं पता था, हमें लोग इतना तक बोल देते हैं कि भाई हम 10-10 हज़ार निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं, 8,000 कर रहे हैं, 7,000 कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। और इधर कोई नया आ रहा है, जो पुराना है, कोई भी है नया, अक्सर जो नए लड़के आते हैं ना, तो जो यहाँ पे पुराने रह रहे होते हैं ना, वो पुराने लड़के जो होते हैं क्या करते हैं, उसको इस तरह कर, इस काम में तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे, ये काम अच्छा नहीं है, इस तरह है, ये है, वो है, मतलब कि उसका जो दिल है ना, वो बस क्या बोलूँ मैं आपको कि इधर 100 में से 80% जो लोग हैं ना, वो सीधा मशवरा आपको कभी भी नहीं देंगे। जो आपके रूम में लड़के रह रहे होंगे ना, वो भी आपको सीधा मशवरा नहीं देंगे। मैं सीधी बात आपको बता रहा हूँ, जो आपके रूम में भी रह रहे होंगे वो भी आपको सीधा मशवरा नहीं देंगे। तो मेरे भाई, अगर आपने यहाँ पे आना है, जॉब करनी है, तो जो कुछ भी करना है अपने मतलब पैरों पे करना है, अपने पैरों पे खड़ा होकर करना है, जो भी करना है यहाँ पे, जॉब करनी है, कुछ भी करना है, किसी की बातों में मत आना यहाँ पे, क्योंकि इधर 10 लोग होंगे तो उसमें से 2 मशवरा देने वाले होंगे, 8 जो होंगे वो बोलने वाले होंगे भाई इसमें फ़ायदा नहीं है, ये है, वो है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खतरे वाला काम है। अगर भाई इस तरह का काम है तो आप लोग भी तो कर रहे हैं ना, अगर आप लोगों को कोई लोग यहाँ पे बोलते हैं ना कि भाई ये काम ठीक नहीं है, ये है, वो है, तो आप आगे से यही बात उनको बोलें कि भाई हमें तो आप बोल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप भी तो यही बाइक चला रहे हो ना, आप कोई किसी ऑफिस में तो नहीं बैठे हो, आप भी यही बाइक चला रहे हो ना। अक्सर लोग बोलते हैं, क्योंकि लोग इस वजह से बोलते हैं कि यार ये आ गए हैं अभी तो ऑर्डर कम हो जाएंगे। भाई जिसका जहाँ पे रिस्क लिखा है उसको मिलना ही मिलना है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, चाहे किसी भी कंट्री में है, उसको उसका रिस्क मिलना है। तो अगर किसी का कोई फ़ायदा नहीं कर सकते तो मेरे भाई उसका नुकसान मत किया करें, क्योंकि वो इतने पैसे लगा के आता है, घर बार छोड़ के आता है, माँ बाप बहन भाई सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आता है कमाने के लिए, तो आगे हम जैसे लोग बोलें कि भाई आप तो फंस गए, गलत फंस गए, 2-3 साल आप तो जा नहीं सकते पाकिस्तान, या कोई भी कहीं का भी होगा आप लोग जा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, जो भी करना है अपने पैरों पे करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किसी की बात नहीं लेनी कि यार ये सही बोल रहा है, किसी की बातों में नहीं आना, जो भी करना है अपना देख सोच के करना है। तो आज की वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, इंशाल्लाह आज की जो हमारी वीडियो है आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।